एक स्टॉक पर राय लेनी चाहिए और वो है इंफो एज। अविनाश जी, फिर से खबरें आ रही कि शायद वैल्यूएशन और बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दो तीन महीने पहले तक $8 बिलियन का जोमेटो का वैल्यूएशन लगाया जा रहा था, अब $10 बिलियन की बात हो रही है। कह रहे हैं कि आईपीओ साइज भी 8,000 करोड़ से बढ़कर शायद 10,000 करोड़ की तरफ बढ़ती हुई नजर आए, 9,000 से 10,000 करोड़ हो सकती है। बताएं इंफो एज पर क्या रखते हैं राय आप, इसी महीने आईपीओ आने की तैयारी है जोमेटो का? इनफैक्ट अनिल जी, मुझे लग रहा है कि स्टॉक के लिए पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि पहली बार तो ओएफएस की क्वांटिटी कम हो चुकी है। इसका मतलब यू नो इंफोसिस सॉरी जोमेटो को यू नो ये वैल्यूएशन काफी अच्छी तरह से देख रहे हैं। शेयर होल्डर्स जो इन्फो एज के हैं इनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि वैल्यूएशन का ज्यादा बेनिफिट इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन जो 8 बिलियन से 10 बिलियन हो गया है, इसका कहीं ना कहीं आईपीओ पे डेफिनेटली पॉजिटिव असर होगा। सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल वैल्यूएशन के मेथड से वैल्यू की नहीं जा सकती, और यहाँ पे निवेशकों को इसकी जो ब्रांड वैल्यू है प्लस जो आगे 3-4 साल में जो प्रॉफिट्स आएंगे वो देखना है। अलग सा आईपीओ है, बट मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली बहुत सक्सेसफुल आईपीओ होगा और जो शेयर होल्डर्स है इन्फो एज के उनको काफी लाभ मिलेगा। तो काफी समय के बाद ये वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, तो शेयर के लिए मुझे लग रहा है बहुत ही अच्छी रीरेटिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अवधि जो है इन्वेस्टर्स को लंबी रखनी चाहिए। तो ये है आपके लिए वो तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको करना है फोकस। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ती है एक डीमैट अकाउंट की। दोस्तों, आप अपस्टॉक्स पर फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना अपस्टॉक्स पर डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए और इन्वेस्टिंग को स्टार्ट कीजिए।